मुंबई कांदिवली साइबर पुलिस ने एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए समता नगर स्थित उत्तर प्रदेश विभाग साइबर सेल ने मैकेनिकल इंजीनियर ललित रघुनाथ देवकर को अकाउंट हैक कर दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट से पैसे मंगाने के मामले में गिरफ्तार किया है। उसका अकाउंट से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। साइबर सेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरला वसावे के अनुसार शिकायतकर्ता मलाटपुर के डिंडोशी इलाके के रहवासी आशीष भाटिया नामक व्यक्ति है, जो पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर है। भाटिया ने साइबर सेल को बताया कि वे वेब सीरीज सहित विभिन्न तरह के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। उनके वीडियो के सब्सक्रिप्शन के आधार पर गूगल के द्वारा उन्हें हर महीने 20 से 25 लाख रुपए दिया जाता है, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में आता है। अप्रैल महीने में उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। जानकारी निकाली तो पता चला कि किसी ने उनके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया है। इतनी सफाई से इस काम को अंजाम दिया कि गूगल भी इसे नहीं पकड़ पाया और असली फिल्म प्रोड्यूसर के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने की जगह हैकर के फर्जी अकाउंट में 23 लाख रुपए डाल दिए गए। उत्तर प्रदेश विभाग साइबर सेल ने जांच में पाया कि जिस अकाउंट में गूगल ने पैसे डाले थे, उक्त अकाउंट ललित देवकर के नाम से था। देवकर से पूछताछ में जांच अधिकारी विनोद कनावजे, एपीआई संजय पवार, पुलिस नायक अशोक शिंदे और मुन्ना तंबोली को पता चला कि पकड़े गए आरोपी ने बैंक में अकाउंट खोल रखा है। दोनों की मिलीभगत के चलते अकाउंट को हैक करके दूसरे अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में मंगा लिया जाता है। बहरहाल साइबर सेल ने आरोपी देवकर के अकाउंट को सील कर गूगल द्वारा हाल ही में डाले गए 23,50,000 रुपये में से 20 लाख जब्त किया है। देवकर को 11 मई तक न्यायालय ने पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। एक कंप्लेनर रहे, वो यूट्यूब का प्रोड्यूसर फिल्म मेकर करके वो भेजते, वहाँ को उनको गूगल से पैसे आते, गूगल से पैसे आते हैं तो उनका इस अप्रैल महीने में उनका अकाउंट उन्होंने चेक किया तो उसमें 3 ईमेल उनको आए थे कि आपके पैसे भेजे हैं। तो उन्होंने एक्सेस में उन्होंने देखा तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए, तो उन्होंने वापस ईमेल देखा तो दूसरे अकाउंट में गए थे। तो फिर वो उन्होंने हमें यहाँ आके कंप्लेंट्स दिए कि उनको 23,50,000 इतना अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे। वो कंप्लेंट्स देने के बाद उनको वो कंप्लेंट्स लिखी और हमने गूगल से पूरा डाटा मंगाया कि पैसे गए कहाँ। तो उन्होंने बताया कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में